ओके दोस्तों, तो जिस बात का डर हुआ था तारक मेहता शो में, बिल्कुल वही हुआ। क्या हुआ ये वीडियो देखते रहिए दोस्तों, इसी बारे में हम बात करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं कुछ और भी बात करना चाहता हूँ, और वो ये है कि आपको पता होगा कि चैनल पे मैंने दो वीडियोस डाली थी, एक सैटरडे को और एक संडे को, गिव अवे से रिलेटेड, जिसमें एक छोटा सा प्राइस था 300 रुपए का पेटीएम कैश। तो गाइस इस वीडियो में उस गिव अवे का मैं आपको विनर भी बताने वाला हूँ। दो विनर है, दोनों विनर को मैं 300 रुपए का पेटीएम कैश अभी के अभी सेंड कर दूंगा। मतलब जैसे ये वीडियो अपलोड होगी उनको पता चलेगा तभी मैं सेंड कर दूंगा, ठीक है। और ना इसी वजह से ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, और इसलिए मैंने ना जो गिव अवे का जो सिलेक्शन था ना वो इस वीडियो के लास्ट में डाला है। तो जिन्होंने भी गिव अवे में पार्टिसिपेट किया था ना वो लोग वीडियो को पूरी आखिर तक देखिएगा। दोस्तों आज के एपिसोड में आपने देखा होगा, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि जो जेठालाल है वो चला जाएगा, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। जेठालाल बिल्कुल आसानी से चला गया जैसा कि हमने एक्सपेक्ट किया था। अब दोस्तों यहां पर देखने वाली ये बात है कि यार जैसे ही पानी की प्रॉब्लम खड़ी हुई सारे के सारे भाग गए अब्दुल के पास कि अब्दुल ने पानी का पंप चालू किया या नहीं। मतलब कि यार सारी जिम्मेदारी अब्दुल को डाल रखी है। और आपने देखा होगा दूध वाली स्टोरी में अब्दुल के ऊपर कितना ज्यादा शक कर रहे थे ये लोग, और यहाँ पर उन्होंने अपनी सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अब्दुल पर डाल रखी है, और अब्दुल पर उनको बिल्कुल भी भरोसा नहीं। ये बहुत ही मतलब अजीबोगरीब बात होती है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपने देखा होगा कि अब बहुत लोगों ने ये बात नोटिस की होगी कि जो अय्यर का जो सर पे हल्दी और दही का जो लगा हुआ है ना वो कभी ज्यादा हो रहा था कभी कम हो रहा था। मतलब कुछ कुछ सीन में वो बहुत कम हो रहा था, कुछ कुछ सीन में वो बहुत ज्यादा हो रहा था। तो ये बात किस किसने नोटिस की थी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और हाँ दोस्तों आज मेन बात ये नोटिस करने वाली थी, जैसा कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बोला था कि जेठालाल जाने के बाद जो है मुझे नहीं लगता कि स्टोरी में मतलब मजा आएगा, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। जेठालाल के जाते ही मतलब जो एपिसोड है ना वो बहुत ज्यादा सीरियस हो गया, मतलब कुछ भी कॉमेडी नहीं थी। वैसे तो आजकल कॉमेडी वैसे भी कम होती है, और जेठालाल के जाने के बाद तो यार बिल्कुल ही कॉमेडी नजर नहीं आ रही थी, और बिल्कुल ही अधूरा अधूरा सा पन नजर आ रहा था। और यार तारक मेहता शो जो है ना वो बिल्कुल ऐसा लगा लो कि मिस्टर बीन शो है ना, बिल्कुल वैसा ही है, बिना मिस्टर बीन के कुछ भी नहीं है। और एक्चुअली में आज तारक मेहता शो देखकर आपको भी ये रियलाइज हुआ होगा कि यार बिना जेठालाल के मजा नहीं आता है शो में। तो चलिए गाइस अब देख लेते हैं कि गिव अवे के दो विनर कौन कौन हैं। हे गाइस, तो मैं यहाँ पर फाइनली गिव अवे का जो विनर है वो अनाउंस करने जा रहा हूँ। तो बेसिकली यहाँ पर मैं रैंडमली विनर चूज करने वाला हूँ। यहाँ पर ये सैटरडे वाली वीडियो है इसमें से मैं एक विनर चूज करूंगा, और ये जो संडे वाली वीडियो है इसमें से मैं एक विनर चूज करूंगा। तो दो विनर होंगे यहाँ पर। यहाँ पर मेन बात बस ये देखने वाली है कि जो भी कमेंट्स आएंगे अगर उसमें रोजधन की जो कोड है, जो फ्रेंड का इनवाइट कोड है, अगर वो होता है तभी वो विनर बनेगा। अगर कुछ भी और कमेंट होता है तो सॉरी वो विनर नहीं होंगे, और मैं फिर से इसको ट्राई करूंगा जब तक वो रोजधन का इनवाइट कोड वाला कमेंट नहीं आता। क्योंकि दोस्तों ये मैं गिव अवे नहीं कर रहा, अगर मैं कर रहा होता तो मैं कोई भी कमेंट होता तो मैं उसको चूज़ कर लेता, लेकिन ये जो है रोजधन की तरफ से ये गिव अवे है। तो चलिए दोस्तों पहला विनर, पहले सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि जो सैटरडे वाली वीडियो उस पर कितने कमेंट्स आए हैं टोटल। तो यहाँ पर टोटल 574 कमेंट्स हैं। तो चलिए दोस्तों हम अब पहला विनर चूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं स्टार्ट करता हूँ। अब यहाँ पर कोई भी रैंडमली विनर आ जाएगा, देखते हैं दोस्तों क्या उन्होंने रोजधन की आईडी, अरे यार रोजधन की आईडी नहीं डाल रखी सरोज मीना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने कमेंट लिखा है अलादीन, नाम तो सुना होगा इस बेस्ट, लेकिन दोस्तों ये विनर नहीं हो सकती क्योंकि इन्होंने रोजधन की आईडी नहीं डाली। तो हम अनदर विनर चूज करेंगे। तो गाइस इन्होंने भी रोजधन की इनवाइट कोड नहीं डाल रखा यार। मतलब यार तुम्हारा इतना अच्छा चांस था, 300 रुपये फ्री फंड में मिल जाते, क्यों करा यार, एक कोड ही तो डालना था। अरे यार इन्होंने भी नहीं डाल रखा, हम दोबारा से करेंगे यार। ये विनर चूज़ करना तो बहुत मुश्किल काम है यार। अरे यार इन्होंने भी नहीं डाल रखा, चलिए दोबारा से देखते हैं। रोजधन का इनवाइट कोड, अरे यार इन्होंने भी नहीं डाल रखा। यार गिव अवे में मतलब पार्टिसिपेट क्यों नहीं करा, मतलब मैंने बहुत सारे देखे हैं कोड्स, बहुत लोगों ने डाल रखे हैं। मतलब फाइनली एक बंदे ने कोड डाल रखा है, इनका नाम है हेमंत ऑलराउंडर। तो ये है हमारे पहली वीडियो के विजेता, यानी कि ये है हमारे पहले विजेता हेमंत ऑलराउंडर। तो गाइस ये पेटीएम का 300 रुपये का कैश जीत चुके हैं हेमंत ऑलराउंडर। तो चलिए दोस्तों अब इसके बाद दूसरी वीडियो पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर पहले कमेंट्स देख लेते हैं कि कितने कमेंट्स आए हैं दूसरी वीडियो पर। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 264 कमेंट्स हैं,
और अब हम यहाँ पर 264 कमेंट्स हैं। हाँ ओके 264 कमेंट्स है। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं दोस्तों कि विनर कौन है। तो दोस्तों यहाँ पर विनर सेलेक्ट किया जा रहा है। ओके भाई मुझे सीआईडी में रहने की ज़रूरत है। ओके यार इन्होंने भी रोजधन की आईडी नहीं डाली हुई। यार ये वीडियो तो काफ़ी लंबी हो रही है, विनर सेलेक्ट करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है और इसमें से मैं कट भी नहीं करने वाला ताकि ये ना लगे कि यार इन्होंने भी नहीं डाला हुआ। कब आएगा हमारा दूसरा विनर रोजधन? यार इन्होंने भी नहीं डाला हुआ, अब क्या कर सकते हैं यार, रोजधन वालों ने गिव अवे कर रखा है। ओके फाइनली हमारा दूसरा विनर, दूसरी विनर आ चुकी है मुस्कान कालरा। तो ये हमारी दूसरी विनर है मुस्कान कालरा। तो गाइस हमारे फाइनली दो विनर मिल चुके हैं जिन्होंने कि गिव अवे में 300 रुपये का पेटीएम कैश जीता है। तो बहुत ही जल्द इनको पेटीएम कैश मिल जाएगा और इनको मैं कॉन्टैक्ट करूँगा। तो गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपने गिव अवे में पार्टिसिपेट किया था। तो ये हैं हमारे दो विनर मुस्कान कालरा और हेमंत ऑलराउंडर।